एक समय की बात है, एक गांव में भिंडी रहा करती थी। उसकी शादी टमाटर से हो गई। टमाटर भिंडी से बहुत प्यार करता था, पर भिंडी की नियत कुछ अच्छी नहीं थी। टमाटर से शादी करने के बाद भी वह गाजर के साथ घूमा करती थी, पर वो इस बात का ध्यान रखा करती थी कि टमाटर को इसका पता न चले। कल हमारे रिश्तेदारों में शादी है। अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे तो मेरा भी बहुत मन है जाने का, पर मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए लगता है मैं नहीं आ पाऊंगी। आप अकेले ही चले जाना। अच्छा, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना, मैं जाकर आता हूँ। टमाटर ने अपनी पत्नी भिंडी को घर पर रहने के लिए कहा और शादी में खुद चला गया। टमाटर के चले जाते ही भिंडी अपने आशिक से मिलने घर से बाहर निकली। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर भी तुम्हें उस टमाटर से शादी करनी पड़ी। मैं भी क्या करती, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी टमाटर से करवा दी। जो हुआ सो हुआ, हम इसे बदल नहीं सकते। हमारे पास जितना समय है, हम उसी में खुश रहेंगे। अब चलो, हम दोनों सिनेमा देखने जाते हैं। फिर वे दोनों साथ में सिनेमा देखने निकल पड़ते हैं। दूसरे दिन भिंडी के आने से पहले टमाटर घर पे आ गया था। तब भिंडी घर पर आई। कहाँ गई थी तुम? मैंने आजू बाजू तुम्हें तलाश किया। कितनी देर से तुम्हारी राह देख रहा हूं। कहीं नहीं, दरअसल मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए डॉक्टर के पास गई थी। वहां पे ज्यादा भीड़ थी, इसलिए मुझे आने में देर लग गई। वैसे शादी कैसी रही, मेरे ना आने पर कोई नाराज तो नहीं था। अगली बार जरूर आऊंगी। शादी तो बहुत बढ़िया हुई, सभी ने कहा कि तुम आती तो अच्छा लगता, पर मैंने उनसे कह दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम जाओ और आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। अरे बाप रे, आज तो बच गई झूठ बोल। कुछ दिनों तक भिंडी घर से बाहर नहीं निकली। भिंडी और गाजर का मिलना बंद हो गया था। उधर गाजर मिलने के लिए बेताब हो गया था, लेकिन वो भी क्या करता। एक दिन टमाटर नदी के किनार पर बैठा था, तभी वहां से गाजर गुजर रहा था। गाजर के दिमाग में टमाटर को नदी में धक्का देने का प्लान आया। उसने आजू बाजू देखा और टमाटर को नदी में धकेली दिया। नदी में डूबने की वजह से टमाटर की मौत हो गई। कुछ दिन बाद गाजर और भिंडी ने शादी कर ली और वो खुशी से रहने लगे।